नमस्कार, मैं शांति। आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। कहा जाता है स्वास्थ्य ही संपत्ति है। संपत्ति के पीछे तो हम सब भागते ही हैं, लेकिन अब कितना ध्यान दे पाते हैं अपने स्वास्थ्य के पीछे, इसी बारे में आज आपसे बातचीत करूंगी। तो मैंने सोचा कि आपको जागरूक करने के लिए आपको लेकर आते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम के लाफिंग क्लब के कुछ मेंबर्स के पास, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और आपको भी मदद करेगी स्वास्थ्य को लेकर सचेतन होने में। आइए बात कर इनसे जानते हैं कि कितना प्रायोरिटाइज करते हैं ये लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर। सबसे पहले तो सर आपसे शुरुआत करते हैं, आपका नाम? मैं सुशील अग्रवाल। हम लोगों का 25 लोगों का ग्रुप है जो पिछले 6-7 साल से वॉक और योगा कर रहे हैं। हमारे क्लब का नाम लाफिंग क्लब है और हम लोग सब समय मुस्कुराते रहते हैं, लाफिंग करते रहते हैं। पिछले 3 महीने से हम लोगों को बहुत ही अच्छी योग टीचर मिली है, श्वेता मैडम, और हम लोग सब बहुत लाभान्वित हैं। वो विवेकानंद केंद्र बेंगलोर से मास्टर्स करके आई हैं और इतना बढ़िया योग टीचर मेरे को तो अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं मिला है। मैं भी कई योग गुरु से मिला हूं, परंतु ये विशेष है। हमारे ग्रुप के जो लीडर हैं संजय पोद्दार, वो प्रतिदिन जो है योगा कराते हैं। वो भी बहुत अच्छे योग प्रशिक्षक हो गए हैं और सभी हम लोग उनको फॉलो करते हैं। सुबह प्राय हम लोग घर से 5:45 बजे निकलते हैं और 6 बजे तक स्टेडियम पहुंच जाते हैं। 30 मिनट वॉक करते हैं और उसके बाद लगभग 1 घंटा योग करते हैं। और योग करने के बाद में जो एक मानसिक स्थिति होती है, बहुत ही ब्लिसफुल, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं विश करता हूँ कि हमारी श्वेता मैडम हम लोगों को लाइफ लॉन्ग कराती रहें योगा। जी जी बिल्कुल, आइए बात करते हैं योग टीचर श्वेता मैडम से। तो मैम, हमारे दर्शकों को बताएं कि योगा का क्या महत्व है हमारे डेली लाइफ में, कितना हम लोगों को ये अपलिफ्ट करता है। आई विल से ओनली वन थिंग, दैट योगा इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। दिस इज़ द वे यू शुड लिव, बिकॉज योगा इज़ नॉट फॉर अभी शायद को पता लोगों को पता चलो, पर हमारे पास प्रूव है कि इट्स बीन सर्वाइविंग फॉर लास्ट 10,000 ईयर्स। मोहन जोदड़ो टाइम पे भी पीपल यूज टू डू योगा। आप इट्स अ मिरेकल, जब तक आप करोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, एंड विद इन आप डेडिकेशन हो जाएंगे तो आप सीखेंगे। इट स्टार्ट्स हीलिंग यू फ्रॉम इनसाइड, तो इट टेक्स टाइम फॉर श्योर, बट विद इन लाइक 6 मंथ्स यू विल सी द चेंजेस इन योर सेल्फ। योगा गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ, योर माइंड एंड सोल। थैंक यू जी। सर बात करना चाहेंगे आपसे, आपका नाम? मोहन गोयल। सर ये आप योगा कितने दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं? मोर ओवर सिक्स ईयर्स। तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिला है ये हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। मेरे को स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में, मैं तो स्वस्थ मने सिंगल हूँ, मने स्वस्थी हूँ, तो मेरे को स्वास्थ्य को मेंटेन करने में, स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद मिली है। शंभू मोर जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि हेल्थ क्या मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, एंड जो लोग डिजीज़ नॉन डिजीज़ कंडीशन में है तो सभी के लिए कितना इम्पैक्टफुल रहता है ये योगा एंड मॉर्निंग वॉक? हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा तो हर किसी के पास हो सकता है, हेल्थ हर किसी के पास नहीं हो सकता है। सर प्लीज़। वासुदेव अग्रवाल जी। सर ये आप मतलब अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या क्या करते हैं अपने डेली शेड्यूल में? देखिए, ये क्लब 6 साल पहले बना था और मैं जिस दिन से ये संगठन बना है उस दिन से जुड़ा हुआ हूँ। और योग के लिए, ये स्वस्थ रहने के लिए योग एकदम अनिवार्य है। और ये अगर बोले कि बीमारी ठीक करने के लिए, अगर मैं बोलूँगा कि अगर योगा आप रेगुलर करते रहेंगे तो शायद बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। तो ये बोल सकते हैं कि बीमारियों को दूर रखने के लिए आपको नियमित रूप से योग करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें कोई भी एज बार नहीं है जी। तो ये आपके क्लब के तरफ से तो आप लोग तो हंसते रहते हैं, एंड मॉर्निंग वॉक एंड योगा दिस ऑल थिंग्स में इंक्लूड रहते हैं, तो ये आपके हेल्थ को कितना इम्पैक्ट करता है, क्या आपको फील होता है? मैं दिनेश अग्रवाल। योगा सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, ये एक जीवन का एक दर्शन है।
ये अपना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और हमें अपने जीवन की चिंता और डिप्रेशन से मुक्ति दिलाता है। इसलिए मैं सभी बंधुओं से गुजारिश करूंगा कि श्वेता मैडम के सानिध्य में हम लोग वीकली जो 3 दिन कर रहे रेगुलर आएँ और इसका आनंद लें। थैंक यू। कितना समय देते हैं आप अपने हेल्थ को ठीक रखने में, दिस ऑल थिंग्स में के योगा, मॉर्निंग वॉक एंड हंसना, ये सब चीज़ों में डेली आप कितना समय निकालते हैं? सुबह 6 बजे यहाँ आते हैं और घर पहुँचते हैं 8:30 बजे, तो 2.5 घंटे का समय हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए देते हैं। अब स्वास्थ्य का मतलब, पहले तो हम लोग वॉक करते हैं, उसके बाद 1 घंटा एक्सरसाइज, योग, फ्री हैंड, सभी कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ योग करें तो योग ही चल रहा है, फ्री हैंड एक्सरसाइज भी करते हैं। मन को खुश रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा दिनेश ने कहा, अभी के समय में जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है वो हो गई है डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, मन अच्छा नहीं रहता है, कोई 1000 कारण है उसके। तो योग एक बहुत बड़ा हमें सहारा देता है इस चीज़ के लिए, और इंटरनल बॉडी पार्ट्स को तो डेफिनेटली ठीक करता ही है जी। उसके बाद हम लोग और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मजे करते हुए घर जाते हैं तो मन खुश रहता है। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहेंगे, मैं राजेश अग्रवाल, मैं प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं सबसे पहले धन्यवाद युवा शक्ति की टीम सुधांशु जी को देना चाहूँगा, जो हमारे मित्र हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि हमारे लाफिंग क्लब के सारे मेंबर्स का इंटरव्यू लेना और योगा के बारे में बताना। सो आई एम ग्रेटफुल टू द टीम युवा शक्ति, और हम अपने लिए ये सुबह 2 घंटा जीते हैं, बाद बाकी तो लाइफ स्टाइल जो है इज वेरी टफ। योगा इज ए बैलेंसिंग बिटवीन माइंड, सोल एंड बॉडी। थैंक सर। जैसे कि लोग आज के दिनों में अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, वहाँ आप लोग अपने हेल्थ के लिए, अपने लिए समय निकालते हैं, तो ये मोटिवेशन कब से आया? ये मोटिवेशन मुझे 10 साल से है। मैं पहले जहाँ रहता था वहाँ पे मैं सबको मॉर्निंग वॉक में योगा करवाता था, और मेरे को एक्सप्रेशन मिला है कि योगा जो है स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं पूरी जनता से अनुरोध करूंगा कि योगा सभी आदमी करें, भले ही 1/2 घंटा या 1 घंटा ही करें, लेकिन सभी आदमी करें, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कोई बीमारी नहीं होने की संभावना रहती है। थैंक यू। मेरा नाम अरुण कुमार खंडेलिया है, और मेरा ये मानना है कि स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही वास कर सकता है, तो स्वस्थ दिमाग लोगों को चाहिए अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से जीने के लिए। और आपके माध्यम से, आपके युवा शक्ति के माध्यम से, हम सभी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग योग करें, भले 15-20 मिनट। कभी कभी मैं नहीं आप आता हूँ तो घर में भी करता हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं घर में 15-20 मिनट 1/2 घंटा कर लेता हूँ, नहीं बेमानी की कोई बात नहीं, सच ईमानदारी से। और जब से हम लोग को ये श्वेता मैडम मिली है 3-4 महीने, तब से काफ़ी बदलाव अपने शरीर में, अपने स्वस्थ में। क्या क्या बदलाव आपको अपने अंदर दिखने को मिल रहे हैं ये मॉर्निंग वॉक एंड योगा स्टार्ट करने के बाद? मुख्य और प्रमुख सबसे बड़ा बदलाव है कि मन प्रसन्न है। आज यहाँ सुबह आने के बाद में सारा दिन मन स्वस्थ भी रहता है और मन प्रसन्न रहता है, सबसे बड़ी खुशी इसी बात की। सर आपके कुछ थॉट्स शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ कि क्या उनको ये स्टार्ट करने के बाद, कितने दिनों के बाद उन लोगों को बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट होगा, एंड आप लोगों को क्या, किस तरह के बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं? हम लोग को तो बेनिफिट 2-3 दिन बाद ही मिलना शुरू हो गया था, और हम लोग जिस दिन योगा नहीं करते हैं उस दिन हमको सारा दिन जो है आलस लगता है, और जिस दिन हम लोग योगा करते हैं सारा दिन मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और हम लोग जो योगा करते हैं उससे हम लोग का फिजिकल फिटनेस अच्छा रहता है, प्राणायाम से हमारा लंग्स ठीक रहता है, और मेडिटेशन से माइंड ठीक रहता है। जो ये चीज़ का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और हम लोग इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं काफ़ी सालों से, और सभी को अच्छा लग रहा है, ये डेली करना चाहिए, मैं सभी को यही कहूँगा। थैंक यू। मैं सुभाष बंका। योग का क्या बात करें, योग में तो हमारे कुछ मित्रों का बैठना स्टार्ट हो गया जो बैठ नहीं पाते थे, और हम लोग 9 साल से योगा कर रहे हैं, 3 महीने से श्वेता मैडम आ रही है, लेकिन हम लोग 9 साल से एक क्लब खोल रखे हैं, और 2 घंटे इसमें देते हैं डेली, और इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है, सबका फिटनेस अच्छा ही है, शुगर लेवल बहुतों का कम हो गया है, जिसे शुगर था, जो बैठ नहीं पाते तो बैठने लग गए हैं। हाँ, और जो नहीं बैठ पा रहे थे उनसे आप बात कीजिए हमारे कैमरे वाले से। हाँ, जैसे आपने पूछा
कि योगा के क्या लाभ हैं, तो मैडम ने बुलाया कि आप करके देखेंगे तब फल पाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया है और उसका फल पाया है, कि क्या डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनके आने के पहले हम लोगों ने कई ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो मेरे को ये एडवाइस किया गया था कि डोंट सिट ऑन द फ्लोर, आपको चेयर पे या किसी सपोर्ट पे बैठना है। लेकिन उसके बाद से हम फ्लोर पे भी बैठ रहे हैं, पैर सीधे भी कर रहे हैं, पैर मोड़ भी रहे हैं, और शरीर को जैसे जैसे योगा के हिसाब से बिना सपोर्ट के हम लोग खड़े भी हो रहे हैं और बिना सपोर्ट के हम लोग बैठ भी रहे हैं। और हमको लगता है जितना शरीर में दर्द योगा करने के पहले जो हम डॉक्टर्स का कंसल्ट करके या दवाई लेके हो रहा था, मेरे हिसाब से तो वो सारी बीमारियां ख़त्म ही हो गई। ये एक मिथ है डॉक्टर का कि आपको मैट पर नहीं बैठना चाहिए या पैर मोड़ने नहीं चाहिए। अगर आप योगा की शरण में आ गए ना तो ये सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। थैंक यू। हमारे सुनील टिपलेवाल, हमारे ये योग से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, कोई एब्सेंट नहीं करता क्योंकि उस पर योग करना ही है। और पाँव का दर्द जो उन्होंने बताया, पाँव का दर्द में बहुत फ़ायदा हुआ, और लोगों को यहाँ डायबिटिक में भी बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को। मैं अशोक कुमार जादू का, मैं हम लोग को योग से बहुत फ़ायदा हुआ है। डायबिटीज़ और डायबिटीज हो चाहे किसी भी बीमारी में हो, हम लोग बहुत लाभ कर रहे हैं स्वास्थ्य में। क्या आप डायबिटिक हैं? यस। कितने सालों से आप डायबिटिक हैं? पिछले आठ साल से। तो योगा करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है इसमें? डायबिटीज मेरी कंट्रोल में है एकदम, दवाई बहुत नॉर्मल चल रही है। पहले आपका हायर साइड में था? नहीं, हायर साइड में नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत था। लेकिन थैंक यू जी। दर्शकों, सुन रहे हैं आप या फिर देख रहे हैं कि किस तरह के यहाँ के मेंबर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है योगा, मेडिटेशन एंड मॉर्निंग वॉक, ये तीनों चीज़ों में। एंड ये तीनों चीज़ का कम्बिनेशन इन लोगों को हेल्दी एंड फिट रहने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो मैंने सभी लोगों से ये जाना कि किस तरह से ये लोग डिजीज़ कंडीशन, नॉन डिजीज़ कंडीशन, इवन की डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ऑर्थोपेडिक समस्याएँ जिनको है, उन लोगों को भी जिनको फ्लोर पर सिटिंग मना था डॉक्टर की तरफ से, योगा स्टार्ट करने के बाद उनको ये बेनिफिट्स भी मिला है कि वो लोग चेयर पे, फ्लोर पे, इवन कि अपने पैर लंबे करके भी वो लोग बैठ सकते हैं। तो इस तरह से योग, मेडिटेशन और मॉर्निंग वॉक का लाभ है सभी के ज़िंदगी में। एंड इसका कोई एज बार नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में आप अपने घर बैठ के या फिर अपने नियर बाई गार्डन्स में जाकर मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन एंड योगा कर सकते हैं। किसी योगा ट्रेनर के अंडर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये आप ही को बेनिफिट रहेगा, इससे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड फिट रहेंगे। तो मेरी आपसे यही अपील रहेगी कि स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड ऑलवेज फिट। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।